नमस्कार आदाब। प्रॉपर्टी दुनिया के आज के इस वीडियो में मैं कमल चंदेल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये अक्सर देखा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी दूरी दिल्ली से जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है और उसे खरीदना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मगर आज मैं आपको लाया हूँ ग्रेटर नोएडा के अंसल गोल्फ लिंक पर, जो एक ऐसी लोकेशन है जो परी चौक से भी लगभग 500 मीटर पहले पड़ती है और जहाँ से दिल्ली और गुड़गांव जाना बहुत ही आसान हो जाता है। मगर इस लोकेशन के अपने ही फायदे और नुकसान हैं, जिसे जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अंसल गोल्फ लिंक 1 ग्रेटर नोएडा की एकमात्र फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा 1996 में ओमेगा सेक्टर में 100 एकड़ के प्राइम प्लॉट पर बेचा गया और जिसे अंसल बिल्डर ने डेवलप किया। अंसल बिल्डर ने इस गेटेड टाउनशिप में 800 से भी ऊपर प्लॉट बेचे, जिनमें से काफ़ी प्लॉट्स को रेजिडेंशियल होम्स में भी डेवलप किया गया, जिनमें से कुछ सिंगल स्टोरी और कुछ डबल स्टोरी हैं और बाकी की ज़मीन अभी भी खाली पड़ी है, जिसमें स्कूल, डिस्पेंसरी और पार्क जैसी सुविधाएं हैं। आज की तारीख में जो लोग अंसल गोल्फ लिंक 1 में रहते हैं, उनके लिए यहाँ जीवन किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सड़कें लगभग ना के बराबर हैं। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे और खाई से यहाँ पर ड्राइविंग करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। यहाँ अंदर की तरफ अधिकतर प्लॉट्स खाली ही पड़े हैं और यहाँ की हालत देखकर जिन लोगों के यहाँ प्लॉट्स हैं भी, वो यहाँ रहना नहीं चाहते। सड़कों के अलावा यहाँ कम्युनिटी हॉल और ऐसी कई सुविधाएं कभी नहीं बनी जिसका बिल्डर द्वारा प्रॉमिस किया गया था। इसके अलावा यहाँ बिजली और पानी दोनों की ही सप्लाई ग्रेटर नोएडा के दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले कम है। प्रॉपर्टी दुनिया का हमेशा से ही ये मकसद रहा है कि लोगों में प्रॉपर्टी खरीदने के प्रति सतर्कता रहे। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी सजेस्ट करने से पहले मैं आपको उसकी खूबी और कमियां दोनों ही बताता हूं, जिससे आप ये निर्णय ले सकें कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए सही है या नहीं। अधिकतर लोग मुझसे ग्रेटर नोएडा में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं, तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि इस टाउनशिप की बदतर हालत का कारण फ्री होल्ड होना ही है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड के आधार पर ही अंसल हाउसिंग को बेचा गया था, इसलिए इस टाउनशिप की देखरेख करना उसी की जिम्मेदारी है। मगर जैसा कि हमने बिल्डर की दूसरी टाउनशिप में भी देखा है कि जैसे ही बिल्डर अपनी पूरी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, उनका ध्यान मेंटेनेंस से हट जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ अंसल बिल्डर ने अचानक इस टाउनशिप से अपने हाथ हटा लिए और अब इस टाउनशिप की रखरखाव की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं, और आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी इसकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले लोग ऐसी बदतर हालत में रहने को मजबूर हो गए हैं। इस सेक्टर में आपको 150 गज, 239 गज, 300 गज, 360 गज, 480 गज और 600 गज तक के बड़े बड़े प्लॉट्स मिल जाएंगे, जिसके सामने 8 मीटर, 12 मीटर और 24 मीटर तक की बड़ी बड़ी रोड मिलती हैं। मगर इन रोड की देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं। अब इस सेक्टर को RWA ही मेंटेन करती है, मगर सेक्टर फ्री होल्ड होने के कारण यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है और यहाँ RWA भी चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टाउनशिप में इतने सालों से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इसके अलावा सेक्टर के एक तरफ नाला भी जाता है, जो इस टाउनशिप की हवा के लिए अच्छा नहीं है। पूरे ग्रेटर नोएडा में यही मात्र एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आज की तारीख में आप रहने के लिहाज से सबसे गंदा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो इतनी सभी प्रॉब्लम होते हुए भी यदि आज की तारीख में आप इस प्रोजेक्ट में 150 गज का प्लॉट लेते हैं, तो आपको कम से कम 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यदि 239 गज का प्लॉट लेते हैं तो वो तकरीबन 85 लाख में मिलता है, और यदि 350 गज का प्लॉट आप यहाँ लेते हैं तो वो भी तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन, जो इस प्रोजेक्ट को पूरे ग्रेटर नोएडा में सबसे अलग करती है, क्योंकि इसके सामने ही नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन तो पड़ता ही है, साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेस भी यहाँ से 0 पॉइंट पर है। इतना ही नहीं, पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो मार्ट भी बिल्कुल इसके सामने पड़ता है, जहाँ साल भर में 100 से भी अधिक एग्जीबिशन लगते हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों ने यहाँ गेस्ट हाउस बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नॉलेज पार्क में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण बहुत लोग इन प्लॉट्स पर PG की सुविधा भी शुरू कर रहे हैं, जिसके चलते ये प्लॉट्स धीरे धीरे कॉमर्शियली इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्डर ने शुरुआती समय में इस प्रोजेक्ट में पेड़ पौधे भी लगाए थे,
जिसके चलते यहाँ थोड़ी बहुत हरियाली तो हमें अच्छी देखने को मिलती है, मगर जो पार्क यहाँ बनाए गए हैं वो अभी उतने ज़्यादा मेंटेन नहीं हैं जितने हमें अथॉरिटी के सेक्टर में देखने को मिलते हैं। इस टाउनशिप की एक तरफ सेक्टर की 60 मीटर की रोड आती है जिस पर 600 गज के बड़े बड़े प्लॉट्स पड़ते हैं, और इसी बड़ी रोड का फ़ायदा लेते हुए छोटे मोटे बिल्डर यहाँ मकान को एक शोरूम की लुक दे रहे हैं, जिसके चलते ये पूरा प्रोजेक्ट कॉमर्शियली बनता जा रहा है और इस टाउनशिप का रहने से ज़्यादा कॉमर्शियली इस्तेमाल हो रहा है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अंसल गोल्फ लिंक 1 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप कॉमर्शियली इस्तेमाल के लिहाज से देखें तो ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है, मगर रहने के लिहाज से यदि आप इसे आज की तारीख में देखते हैं तो ये खुद से एक बेईमानी होगी। मैं आपको इसलिए सलाह नहीं दे रहा क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं और हर गलती से यही सीखा है कि प्रॉपर्टी दुनिया में कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं, क्योंकि मैं भी भीड़ में से आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। तो यदि आप भी मेरी इस प्रॉपर्टी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप भी मेरे अनुभव से ये सीख सकें कि कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं। जय हिंद।